हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओस्मान का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। मॉडल नंबर है OSWD21। वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है और इसमें वैक्यूमिंग के साथ साथ आपको ब्लोवर फंक्शन भी मिल जाएगा। 21 लीटर की कैपेसिटी है और 1600 वाट की पावरफुल मोटर है। यहाँ पे आप कुछ फीचर्स देख सकते हैं पॉज करके। दूसरी साइड भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये डिटेल्स भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्राइस 7,750 रुपये मेंशनड है, लेकिन अमेजन पे आपको ये आराम से 3,500 से 4,000 की रेंज में मिल जाएगा। इस बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगी जिसमें कंप्लीट डिटेल्स है। इंस्टॉल और यूज़ करने से पहले एक बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एक कार्ड भी मिलेगा जिसपे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है वारंटी क्लेम करने के लिए। सेकेंड बॉक्स के अंदर से होज पाइप निकलती है। होज पाइप जो है अच्छी क्वालिटी की लग रही है और काफ़ी लंबी होज पाइप है, 1.5 मीटर तक लंबी यह होज पाइप आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपको एक्सटेंशन ट्यूब्स मिल जाएंगी। तो ये दो एक्सटेंशन ट्यूब्स हैं यहाँ पर और दोनों को ही मिला के इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1.5 मीटर और हो जाती है। तो कंप्लीट आपको 3 मीटर की यहाँ पर रीच मिल रही है। नेक्स्ट हमको फ्लोर क्लीनिंग अटैचमेंट मिलता है, ये 2-in-1 है। इससे आप ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग दोनों ही कर सकते हैं। बाकी एक्सेसरीज हमको ड्रम के अंदर मिलेंगी। तो अभी कोई एक्सेसरीज नहीं है, बस आप वैक्यूम क्लीनर की मेन बॉडी बची हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से पैकिंग की हुई है, एकदम टाइट एंड स्नग। तो वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल सेफ कंडीशन में आपके पास पहुँचेगा। तो यहाँ पे हमने मेन मशीन को बाहर निकाल लिया है और सभी एक्सेसरीज जो पहले हमने दिखाई हैं वो उनको अनपैक कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2-in-1 ब्रश है, उसके बाद हमारी होज पाइप है और उसके बाद एक्सटेंशन ट्यूब्स हैं। तो सभी की पन्नियाँ हमने हटा दी हुई हैं। अब जल्दी से वैक्यूम क्लीनर के ड्रम को एक्सेस करते हैं लैचेस को ओपन करके। तो उसके बाद आप हेड को लिफ्ट कर सकते हैं और जैसे ही हेड को लिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे अंदर आपको कुछ फिल्टर्स मिल रहे हैं। तो ये है हैपा फिल्टर, ये हेड के ऊपर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और हाई एफिशिएंसी फिल्टर रहता है ये। और ये सेकंड फिल्टर भी है, डस्ट सेपरेटर फिल्टर है, ये डस्ट और कचड़े को ड्रम के अंदर रिटेन करके रखता है। नेक्स्ट हमें हैपा फिल्टर की जगह पर लगाने के लिए एक और फिल्टर मिलता है। इसे यूज़ कैसे करना मैं बाद में आपको बताऊँगा। उसके बाद वैक्यूम के टॉप पर इंस्टॉल करने के लिए ग्रैब हैंडल मिलता है। बॉटम के लिए 4 सेट ऑफ व्हील्स मिलते हैं और ये 2-in-1 ट्रेविस नोजल मिलती है। इस तरीके से क्रेविसेस में आप इससे सफाई कर सकते हैं और इस तरीके से ब्रशिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक्सेसरी है दोस्तों, ये स्विवल ब्रशिंग अटैचमेंट है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट भी हो जाता है और स्ट्रेट भी हो जाता है। आप होस्ट्री वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ग्रैब हैंडल को अटैच करने के लिए स्क्रूज भी मिलते हैं। तो अभी मशीन की असेंबली आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कंटेनर को आप उल्टा कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक चेन, तो दोस्तों ये एंटी स्टैटिक अर्थिंग के लिए चेन है। तो बेस में आपको चारों व्हील्स फिट करने हैं। सिंपली आपको व्हील्स को ओपन करके थोड़ा पुश करना है होल्स के अंदर और व्हील्स जो आराम से यहाँ पर फिट हो जाएंगे। तो अब आपका वैक्यूम क्लीनर आराम से व्हील्स के ऊपर मूव कर सकता है। नेक्स्ट अब हम डस्ट सेपरेटर फिल्टर को डालेंगे और उसके बाद हमने हैपा फिल्टर ऑलरेडी हेड में लगा दिया तो हेड को रख देंगे। अब आप लैचेस को क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, ये वाला फिल्टर मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों ये फिल्टर जो है इसके होल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो ये फिल्टर लगता है वहीं पे जहाँ पे हेपा फिल्टर को हमने इंस्टॉल किया था। तो हेपा फिल्टर को अगर आप निकाल दें तो उसकी जगह पे आराम से इस फिल्टर को आप लगा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये वाला फिल्टर जो है इससे पावर बढ़ जाती है क्योंकि इसके होल्स बड़े हैं। ऑन द अदर हैंड हेपा फिल्टर जो है बहुत ही ज़्यादा फाइन और माइन्यूट होता है, उससे आपको हाई एफिशिएंसी क्लीनिंग मिल जाती है। और दोस्तों जब आपने वेट क्लीनिंग करनी हो तब भी आपको हेपा फिल्टर रिमूव करके ये ब्लैक वाला फिल्टर लगा लेना होता है। उसके बाद टॉप हैंडल को इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए स्क्रूज भी पैकेज में मिलते हैं। तो हैंडल को ऊपर से रखिए और स्क्रूज को टाइट कर दीजिए और इस तरीके से आपका ग्रैब हैंडल रेडी हो जाएगा। दोस्तों इस वैक्यूम क्लीनर का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है होम यूज़ के लिए। इसमें बहुत सारी स्पेसेस बनी हुई हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए। जैसे कि इसकी वायर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तकरीबन 5 मीटर इसकी लेंथ है। तो इसको स्टोर करने के लिए हुक दिया गया हुआ है जहाँ पे ब्लोअर पोर्ट है मशीन का। तो वहाँ पर यूज़ के बाद आप वायर को हैंग करके रख सकते हो, मैनेजेबल हो जाता है। और दूसरी अनमैनेजेबल चीज़ है इसकी 1.5 मीटर लंबी ये होज पाइप स्प्रिंग वाली। तो इसको स्टोर करने के लिए भी प्रॉपर स्पेसेस दिए गए हुए हैं। आप यूज़ के बाद होज पाइप को इन हुक्स में अटैच करके रख सकते हैं और इस तरीके से आपका वैक्यूम क्लीनर जो है ज़्यादा मेस नहीं क्रिएट करेगा आपके घर में। एक मिनिमल सी स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए एक कोने में आप इसे रख सकते हैं।
एक्सटेंशन ट्यूब्स की स्टोरेज के लिए भी आपको डेडिकेटेड स्पॉट्स मिलेंगे। तो एक एक्सटेंशन ट्यूब पे एक हुक लगा हुआ है, उसको आप बॉडी के साथ हैंग कर सकते हो और इसी एक्सटेंशन ट्यूब के एंड पे आप फ्लोर क्लीनिंग अटैचमेंट को लगा के रख सकते हो, तो इसका भी स्टोरेज वहीं पर हो गया। और दूसरी ट्यूब के लिए भी जो कैस्टर व्हील्स हैं उनके ऊपर स्पेसेस बनी हुई हैं, दूसरी एक्सटेंशन ट्यूब को वहाँ पे अटैच करके रख सकते हो। जो बाकी छोटी छोटी नोजल्स प्रोवाइडेड हैं उनकी स्टोरेज के लिए भी कैस्टर व्हील पे स्पेसेस बनी हुई हैं। हर एक कैस्टर व्हील पे एक स्पेस है, तो चार स्पेसेस आपको कैस्टर व्हील्स पे मिल जाती हैं छोटी छोटी एक्सेसरीज को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा जो हेड है वैक्यूम क्लीनर का, उस पर भी आप दो एक्सेसरीज को स्टोर करके रख सकते हो। यूजुअली इस पर छोटी छोटी नोजल्स ही स्टोर कर सकते हो। और इन एडिशन जो एक्सटेंशन ट्यूब आपने हैंग की थी एक हुक की हेल्प से, उस हुक के ऊपर वाली साइड भी आप किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हो। तो स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पे एम्पल दी गई हुई हैं, तो हर एक चीज़ मैनेज हो जाएगी और वैक्यूम क्लीनर के ऊपर ही स्टोर हो जाएंगी। इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है इस वैक्यूम क्लीनर की। आपको बस होज पाइप का ये एंड लेना है, अगर इसको फ्रंट में कनेक्ट कर देते हैं तो आप वैक्यूमिंग फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, होज पाइप में से एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स ब्लो करेगी। अगर आप ब्लोइंग फंक्शन को एनेबल करना चाहते हैं तो वैक्यूम क्लीनर के बैक साइड में भी एक होल है, वहां पे इस होज पाइप को कनेक्ट करना पड़ेगा और अब नोजल में से स्ट्रॉन्ग एयर का फ्लो बाहर निकलेगा। मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए टॉप पे आपको एक छोटा सा और क्यूट सा ऑन ऑफ स्विच मिलेगा, जिससे आप मशीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और होज पाइप की नोजल के ऊपर आपको एक स्लाइडर दिखेगा, जिस स्लाइडर से आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज या डिक्रीज का फंक्शन जो है ये वैक्यूमिंग में तो काम करता ही है और साथ में ब्लोइंग में भी काम करता है। और इसी नोजल के आगे अगर आप दोनों एक्सटेंशन रॉड कनेक्ट करके लास्ट में फ्लोर अटैचमेंट को कनेक्ट करते हैं तो आप अपराइट क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर बात करें फ्लोर अटैचमेंट की तो इसके फ्रंट में आपको ब्रिसल्स मिलेंगे जो कारपेट या सरफेस पे ड्राई क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और पीछे की तरफ आपको वाइपर ब्लेड मिलता है जो वेट क्लीनिंग में सरफेस पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और बाकी छोटे छोटे अटैचमेंट्स भी आप नोजल के आगे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी डेमो के लिए हम बाहर आ चुके हैं, तो गाड़ी सबसे पहले क्लीन करके दिखाएंगे। तो मेरी गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है अंदर से, आप देख सकते हैं कितना डस्ट एंड डिब्री आपको मैट्स पे मिलेगा। सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है और जो कॉर्नर्स क्रिवाइसेस और टाइट स्पेसेस होती हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा होता है। तो सब जगह पे यूज़ करके देखेंगे कि कैसा काम करता है ये। तो वैक्यूम क्लीनर को हमने पावर सप्लाई दे दी हुई है, अब ये वैक्यूमिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो स्विच को ऑन कर दिया और वैक्यूम क्लीनर हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। अब ये मैट जो है सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, तो देखिए कितनी गंदी मैट है ये। और जैसे जैसे हम वैक्यूम की नोजल जो है वो घुमा रहे हैं तो डस्ट एंड डिब्री जो है वो इसके अंदर सक हुआ जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रेशर है, प्रेशर के मामले में कोई भी कंप्लेन नहीं है, प्रेशर बहुत ही बढ़िया है। सारा का सारा डस्ट एंड डिब्री जो ज़िद्दी दाग वगैरह लगे होते हैं कीचड़ के, वो सब कुछ वैक्यूम क्लीनर अपने अंदर सक कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे हमारी मैट जो है तकरीबन क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे ब्रशिंग अटैचमेंट लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी स्टबर्न डर्ट या कीचड़ जो मैट के साथ बिल्कुल चिपकी हुई है वो ब्रश के ब्रिसल से लूज हो जाएगी और उसके बाद वैक्यूम क्लीनर उसको अपने अंदर सक कर लेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लीनिंग जो है उसका लेवल जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होते जा रहा है, जो मिट्टी के और कीचड़ के दाग जहाँ जहाँ पे थे जैसे जैसे हम वहाँ पर ब्रशिंग कर रहे हैं तो वो सब कुछ हट रहे हैं और वैक्यूम क्लीनर उसको अंदर अपने सोख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है, आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो गई है। अगर अभी हम इस पर गीला कपड़ा मार दें इस मैट पे तो बिल्कुल नई जैसी दिखने लगेगी। तो ड्राई वैक्यूमिंग बहुत बढ़िया की है इस वैक्यूम क्लीनर ने। अब ये देखिए टाइट स्पेसेस जो सीट के साथ बनी होती हैं, क्रेवाइसेस जो होती हैं हमारी गाड़ी के अंदर, उनमें हम अपने क्रेवाइस नोजल लगा के क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ कूड़ा कचरा टुथपिक वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये सारा का सारा क्रेवाइस नोजल जो अपने अंदर सोख लेगा, खींच लेगा, सक कर लेगा। तो इसी तरीके से आप बाकी स्पेसेस में भी क्लीनिंग कर सकते हैं, जो भी टाइट टाइट स्पेसेस है जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहा है, जो इनएक्सेसिबल स्पेसेस है वहाँ, उन सभी जगहों पे इसकी नोजल आराम से पहुँच के क्लीनिंग कर देती है और आपकी गाड़ी में एक बढ़िया सा क्लीन रिजल्ट दे देती है। सीट्स पर भी बहुत बढ़िया तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी नोजल जो है सीट्स के जो हिंजेस होते हैं जहाँ पर अंदर कूड़ा कचरा फंस जाता है वहाँ पर जाके भी क्लीनिंग कर देती है। और सीट्स के ऊपर भी अगर कोई डस्ट एंड डेब्री होगा
तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से इसके ब्रशिंग अटैचमेंट से साफ हो जाता है। वेट क्लीनिंग भी ये मशीन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर देती है। तो अगर इसी तरीके से आपकी गाड़ी की मैट्स पर पानी वगैरह इकट्ठा हो जाए या घर में कहीं पर भी पानी वगैरह इकट्ठा हो, तो इस पावरफुल वैक्यूम से आप उस पानी को सक करवा सकते हो और बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी जल्दी ये पानी जो है इस वैक्यूम ने सोख लिया और जो मैट आपको नीचे दिख रही है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गई। आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ। पहले बहुत सारा पानी पड़ा हुआ था, अब देखिए मैट जो है एकदम ड्राई हो गई है, एकदम सूखने लग गई है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है इस मशीन का। तो ब्लोइंग करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ी हुई, मिट्टी पड़ी हुई, कागज़ पड़े हुए हैं, लीव्स पड़े हुए हैं ड्राई वाले। तो इन सबको ब्लो करके दिखाते हैं आपको। आपको करना बस इतना है कि वैक्यूमिंग वाले पोर्ट से पाइप को निकालना है, उस पाइप को, और पीछे जो ब्लोइंग वाला पोर्ट है उसमें कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद जैसे ही मशीन को ऑन करेंगे तो आगे से पावरफुल एयर जो है उसका ब्लास्ट ब्लो करना स्टार्ट कर देगा, और इसी ब्लास्ट से फिर आप क्लीनिंग कर सकते हैं एज ए लीफ ब्लोअर। इसको यूज़ कर सकते हैं आपके घर में जो पैटियो है, पोर्च है, अगर वहाँ पे पत्ते गिरते हैं पेड़ों के तो उनको बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हो। कारपेट क्लीनिंग में भी ये मशीन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगी, क्योंकि कारपेट्स का बड़ा बड़ा सरफेस एरिया होता है, झाड़ू से साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कारपेट पे हमने काफ़ी ज़्यादा डस्ट एंड डिब्री फैलाया हुआ है। ये कंकर है, पत्थर है, रेत है और मिट्टी है, ये सब कुछ हमने खुद से फैलाया हुआ है इस कारपेट पे आपको डेमो देने के लिए। और वैक्यूम क्लीनर की हमने फ्लोर क्लीनिंग अटैचमेंट जो है वो लगा दी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि 2 in 1 है, ये ड्राई एज वेल एज वेट सरफेस पे काम करती है। तो अभी देखिए हमने जैसे ही स्वाइप करना स्टार्ट किया, एक ही स्वाइप में जितनी भी कूड़ा कचरा कंकर पड़ा हुआ था, मिट्टी पड़ी थी, रेत पड़ी थी, सब कुछ साफ हो गया, सब कुछ वैक्यूम क्लीनर में अपने पावरफुल सक्शन से अंदर खींच लिया। तो विद इन नो टाइम आप इस पूरे के पूरे कारपेट को साफ कर सकते हैं, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपको झुक के कोई भी झाड़ू नहीं मारना है, कमर की कोई भी पेन नहीं होगी आपको, बस खड़े खड़े आपको वैक्यूम क्लीनर के 2-3 स्वाइप्स मारने हैं और सारा का सारा कारपेट जो है एकदम क्लीन एंड साफ हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको लैचेस ओपन करने हैं, हेड को लिफ्ट करना है और इंटरनल मैकेनिज्म आपके सामने है। हेपा फिल्टर भी आप क्लीन कर सकते हैं और ये सेपरेशन फिल्टर भी आप क्लीन कर सकते हैं। सारा कूड़ा कचरा और लिक्विड जो है आपको ड्रम के इस पार्ट में मिलेगा, यहाँ से आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं और साफ कर सकते हैं, और फिल्टर्स को दोबारा से ड्राई करके आप रीयूज कर सकते हैं इसको। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि वेट क्लीनिंग के लिए आपको ब्लैक फिल्टर यूज करना है, हेपा फिल्टर और डस्ट सेपरेशन फिल्टर दोनों को ही निकाल देना है उस टाइम पे। तो दोस्तों मुझे इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये मशीन। दोस्तों 1600 वाट की मशीन है, और सबसे खास बात है इस मशीन की कि 3.5 से 4 हज़ार की रेंज में आती है। इतने सस्ते दाम में आज तक कोई भी वैक्यूम क्लीनर 1600 वाट का अवेलेबल नहीं था अमेजन इंडिया पर, ये पहली बार हुआ है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डील है, आप इसे ले सकते हैं। और अमेरिकन माइक्रोनिक जैसे ब्रांड जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑस्मॉन के प्रोडक्ट इंडिया में, तो अमेरिकन माइक्रोनिक की वारंटी भी बहुत बढ़िया है। तो आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, वहां पे जाके अमेजन पेज ओपन कर सकते हैं, बाकी फीचर्स चेक कर सकते हैं, प्राइस लेटेस्ट चेक करके मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए, और इस वीडियो में की गई मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।